जैसे जैसे विधानसभा चुनाव चौखट पर दस्तक दे रही है, विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रभारी आरपीएन सिंह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो 6 माह के अंदर रिक्त पड़ी सरकारी जगहों को भरा जाएगा। आरपीएन सिंह ने कहा कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं सभी झूठे हैं, अपनी बात पर खड़े नहीं उतरते और साथ ही कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यदि इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो झारखंड की गरीबी दूर होगी और हर घर में नौकरी दी जाएगी। जिस घर में नौकरी नहीं दे पाएंगे उस घर को भत्ता दिया जाएगा। किसानों को अनेक प्रकार के लाभ दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। किसानों को पेट्रोल और डीजल कम दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करेंगे। सरकार की बनी है, लाखों करोड़ रुपए वैट की वजह से तमाम जगहों में पैसे केंद्र सरकार ने कराए और उसी तरह प्रदेश की सरकारों ने भी इसको बढ़ाने का काम किया है। इससे जो लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, जो तमाम और किसान खेती जो करते हैं, इससे कई चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो वैट पेट्रोल और डीजल पे सरकारी जो रेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है उसमें घटाने का काम हम साफ तौर पे करेंगे। बिजली की एक बहुत समस्या है, भले प्रधान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर 2018 तक मैं 24 घंटे बिजली नहीं दे पाऊंगा तो मैं वोट ही नहीं मांगूंगा, पर कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो डोमेस्टिक यूज, जो डोमेस्टिक में बिजली इस्तेमाल करते हैं उनमें भी हम कटौती करने की बात इसमें हमने मैनिफेस्टो में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए उसमें कम करने की बात हमने साफ तौर से कही है। चुनाव चौखट पर तैयार है और सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं, लेकिन जनता सुनती सबकी है, करती मन की है, क्योंकि कमान तो जनता के हाथों में ही है। अब देखना यह है कि जनता का समर्थन किसको मिलता है। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।